गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ गया हूँ अभी, थोड़ा टाइम हो गया है और रात को मुझे ऊपर पंखा नहीं चलाना था तो मैं वापस गया हुआ था तो मच्छर आने लगे थे, फिर मैंने नापी। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है तो अभी रुचि ने मेरे लिए बहुत सारी दवाइयाँ ववाइयाँ लेके रखी हैं, पता नहीं कितनी कितनी दवाइयाँ हैं ये देखो, और अंदर भी दिखा के लाता हूँ आपको। अभी मैं जा रहा हूँ मनोज जोशी जी के यहाँ दिखाने, क्योंकि गले में अभी भी दिक्कत ही आ रही है। ये मैंने इतनी डोलो भी खाई, 1 2 3 4 5 8 डोलो खाई है मैंने, और फिर मैंने रात किया जगह चेंज, मैं आया ऊपर से नीचे और मैं चलाया पंखा, बिना पंखे भी गर्म हो रहा था। और ये मेरी दवाइयाँ रखी हैं देखो, एक दवाई ये और एक ये रखा है कुछ शहद वहद का बना के, और पानी की व्यवस्था भी रखी है ऐसे ही करके, ये देखो थोड़ा थोड़ा पानी पीना था। और सबको बताएं, आज मेरी आवाज़ निकल रही है थोड़ी मोटी मोटी आ रही है, पर आवाज़ आ रही है पर मेरी, तो अब मैं जा रहा हूँ गार्गल करने के लिए, और वो भी करना है मुझे, भाप भी लेनी है, वो चीज़ें सब चीज़ें तैयार कर दी है, बिजली हो तो रुचि सही हो ना ना हो, पर मेरे पास तो तौलिया भी नहीं है, वापस मुझे तौलिया लेने आना पड़ेगा, तौलिया मैंने यहाँ रखा हुआ है। और फिर तैयार हो जाते हैं ना, फिर रुचि को छोड़ने आना है और मुझे पूछ भी आना है, गाड़ी भी धुलानी है, बहुत गंदी हो रही है हमारी गाड़ी, तो बैठ भाप लेनी है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी गैराज में, गाड़ी धुल गई है पीछे, बहुत गंदी हो गई थी गाड़ी, तो मेरे साथ देख लिया, हम दोनों आ गए यहाँ पे, तो चीज़ें ऊपर ही है गैराज, जगन्नाथ गैराज के नाम है ये, तो गाड़ी भी धुल रही है, थोड़ा गंदी भी है। गाड़ी सही जाएगी तो फिर हम लोगों को परेशानी नहीं होगी जाने में, गाड़ी सही आता तो मन वैसे ही खराब हो रहा, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी गाड़ी में, आज आवाज बड़ी खराब ही है, कल तक का सही जाएगा। अभी दोस्त बोला था मुलैठी वाला पान खा लो कोर्ट में, तो अब 1 बजे हमें मेयर सर से मिलना है, हनुमान जन्मोत्सव है 15 तारीख को, उसकी रैली की तैयारियां करनी है, तो अभी हमें डीजे वाले से भी मिलने आना है, बहुत सारे काम है, और भीमताल भी जाना है, भीमताल सर हम लोग बाइक से आएंगे, भीमताल विधायक केड़ा जी से मिलने, अपने मंडल अध्यक्ष से वहाँ पे हमारे मनोज भट्ट जी, तो उनसे भी मिल के आना है, गर्मी बहुत है आज। तो गाइस देखते हैं फिर क्या हो पाता है, पानी भी रखा है हमने पीने के लिए, आगे मिलते हैं वीडियो में, बने रहिए तब तक का एंड तक का, ये मेरे डेली व्लॉग्स हैं, मैं सुबह से शाम तक का हर दिन का काम बताऊंगा। कोर्ट जाने की सोची थी, कोर्ट गए नहीं हम लोग, एक्चुअली कोर्ट गए थे सुबह, 1 बजे मेयर सर ने बोला था मिलना है, फिर उसके बाद मेयर सर से मिल के फिर हम लोग जाएंगे भीमताल, तो चलिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा सब लोग अपना। अब अच्छी लग रही है उनकी गाड़ी,
अब कॉलेज भी हो गई चमक गई। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं धुली हुई गाड़ी में, अब पूरी चमक गई है मेरी गाड़ी। पर गलती ये है कि अभी भी मुझे सीटें खोल के चलानी पड़ेगी, एसी चला दिया तो फिर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं कार को रखने एसडीएम कोर्ट और वहां से लेते हैं स्कूटी और चलते हैं भीमताल की तरफ। गाइस हम लोग निकल गए हैं अब भीमताल के लिए स्कूटी में। ये आ चुका है काठगाम का नारीवन, ये सबसे पुरानी नारीवन बिल्डिंग है और यहाँ से शुरू हो जाता है जाम। ये देखिए नया पुल बन रहा है कलसिया का, तो इसलिए डाल 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 यहाँ पर बहुत जाम है। पूरी सीजन आने वाला है इसलिए यहाँ पे नया पुल बन रहा है। वाला पुल भी चल गया है, लोग इसके पीछे जा रहे हैं थे बस साइड की सेफ्टी। चाचा आई लव यू चाचा, इधर वाला पुल भी बन गया है। तो निकाल लेना कच्चे कच्चे से, बिल्कुल कच्चे में चला रहा है सिर्फ गाड़ी को। स्कूटी का यही फायदा है, इतना लंबा जाम है। देखो गुलाब घाटी में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए लगी है ये भीड़। रुक गई है UP 35 KS 335, बहुत बुरी तरीके से छुट्टी है और आगे भी एक्सीडेंट का चल रहा है। भैया जानते बस को हमारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो शायद वो गैस के वाले ने इसको ठोका है और गाड़ी के अंदर ही लोग हैं अभी बैठे हुए। तगड़ा कांड हुआ है, तगड़ा केस हो गया बाबा, इस गैस वाले ने ठोक दिया है और इन्होंने गाड़ी रोक दी है गैस की, ट्रक वाले ने। जय हो गुलाब घाटी में मंदिर हम पहुँच चुके हैं। जाम यहाँ से भी आगे को है, ये योगी के साथ वाली गाड़ियाँ सब रुकी हुई हैं। ग्रुप में आए होंगे इसलिए फ़ायदा भी होता है ग्रुप बना के आने का। ट्रक को रोक लिया इन्होंने यहीं पे ही, UP 35 वालों की गुंडागर्दी यहाँ भी चल रही है। पर यहाँ पे हमारे बुलडोजर ठीक है पुष्कर धामी जी का चल रहा है, इनका नहीं चल पाएगा। अब इसके आगे सड़क साफ है बिल्कुल, क्या मस्त नजारा है यार। पर पहाड़ पे नए पत्ते आ रहे हैं, चलो 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 डाल दे डाल दे डाल दे। तो अच्छी गाड़ी आ रही है इसके बाद डालेंगे, हाँ यहाँ से डाल दो डाल दो डाल दो। चलो चलो ये हम चले गए हैं भीमताल को, बिल्कुल बन रहा है पहाड़ में आके मज़ा आता है यार, ठंडा अच्छा लगता है। Thank you.
सीन ये है कि बस पहाड़ में आओ तो ड्राइवर या तो अच्छा रहो या खुद अच्छे रहो, फिर हाँ औकात से चलाओ। पहाड़ की तरह के प्लेस की तरह तो होते ही आने वाली है सर की ये पुलिस चेक पोस्ट सलड़ी। आपने दिख रहा है जो कि और ज़्यादातर यहाँ पे होममेड चीज़ें हैं आपकी, और यहीं के लोग हैं जिनकी शॉप वॉप है, बाहर के बहुत कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको इजी रेट में यहाँ पे सभी सामान वामान मिल जाता है। होटल भी काफ़ी अच्छा है, चीप रेटों के होटल है। आराम से आराम से, ये चचा ने गड़बड़ करी ना, चचा को जल्दी हुई थोड़ा सा। ये यहाँ पे का हॉस्पिटल है और ये डिजिटल डिजिटल ये मेरा जैसे आप मेरा मेरे दादा जी यही रहते हैं। जहाँ देखो जहाँ है स्टेज भी चला लीजिएगा बाइक थोड़ा है। सज्जन वो लोग है ना यूट्यूबर, जिम्मेदारियाँ हमारे सर में बहुत सारी। नगर निगम का कचरा फेंकने आ रहा है यहाँ से वाहन। आपकी जिम्मेदारी हमारी, हम खुद लेंगे। गाइस हम लोग निकल गए भीमताल से वापस घर के लिए, जल्दी जाना है हमें। जिसकी स्कूटी लाए उसकी स्कूटी वापस करनी है।
काफी हरियाली है यहाँ, सब फूल पर नए पत्ते आ रखे हैं, पेड़ों में भी सड़क में भी सभी जगह हरियाली है। ये देखिए छायादार पेड़ों से मज़ा आ रहा है, यहाँ शरीर ठंडक मिल रही है और वैसे देखने में आँखों को ठंडक मिल रही है। खांसना अभी तक का मेरा बंद नहीं हुआ है, पूरा ड्राई थोपा पी के सही जैसा हो गया माहौल। तो अब चलते हैं घर को, रुचि भी तैयार करी होगी, वहाँ पे गाड़ी की चाबी पास है और उसी में ही गाड़ी के अंदर हमारे घर की चाबी है, तो जल्दी जल्दी हमें घर पे जाना है।